नफरत, प्रोपेगेंडा, झूठ, फेक न्यूज, इस सब को अगर एक लफ्ज में कहना हो तो आप गोदी मीडिया कह सकते हैं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जी हाँ, जो हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, वो दरअसल इन तमाम नामों का पर्याय बन चुका है, क्योंकि दिन रात जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा चलाता है, नफरत का प्रोपेगेंडा चलाता है, फेक और झूठ न्यूज को इस तरह से और इस तरह से सच का लबादा पहनाकर वो पेश करता है कि मानो आप में से ज्यादातर लोग उसे सच मानकर यकीन कर लेते हैं। लेकिन सच जो है वो उससे कोसों दूर होता है। खबरें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि मानो कि कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया गया है और उसके बाद वो रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन सच ये होता है कि वो सारी खबरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फेक न्यूज पर आधारित होती हैं। अभी हाल ही में हमारे गोदी मीडिया का जो फेवरेट नेशन बना हुआ है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया है, क्योंकि वहां मजलूम और जो जालिम है दोनों ही एक ही मजहब से ताल्लुक रखता है, इस्लाम। और वहां पर जो जुल्म कर रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, और जो वहां पर मजलूम हैं वो भी मुसलमान हैं। और इसीलिए जो हमारा गोदी मीडिया है उसका फेवरेट नेशन जो है अफगानिस्तान बन गया है। मानो कि तालिबान के मुद्दे से ज्यादा अहम, अफगानिस्तान के मुद्दे से ज्यादा अहम अब कोई मुद्दा हमारे मुल्क में रह ही नहीं गया है, और सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाकर उसी के इर्द गिर्द जो है सारी खबरें जो हैं वो परोसी जा रही हैं आपके सामने, उसमें मसाला लगाकर झूठी वीडियोज आपके सामने परोसी जा रही हैं। ताज़ा जो वीडियो है, ताज़ा जो मामला है वो रिपब्लिक भारत से जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक भारत ने एक बाकायदा तौर पर एक अपना प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में जो एंकर हैं, सुहेल जिनका नाम है, वो चीखते चिल्लाते हुए जो हैं गला बाकायदा तौर पर अपना फाड़ते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपने स्क्रीन पर जो LED स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं कि ये वीडियो देखे किस तरह से नॉर्थ अफगानिस्तान में जो पंछी लड़ाके हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो तालिबान हैं उनके ऊपर देखिए किस तरह से बॉम्ब जो हैं वो दागे हैं, और एम्बियंस जो है वो बढ़ा दीजिए ज़रा, ये उसमें कहा जा रहा है। और वो वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पर दिखाई जा रही है, और इस तरह से दिखाई जा रही है कि जैसे मानो ये वीडियो जो है एक्सक्लूसिव उनको मिली हो। और सच क्या है? सच ये है कि वो जो वीडियो उसमें दिखाई जा रही है वो वीडियो अफगानिस्तान की है ही नहीं। वो वीडियो दरअसल एक साल पुरानी इजिप्ट की एक वीडियो है, और उसको ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा तौर पर इसको लेकर फैक्ट चेक किया है। इस वीडियो को जो न्यूज आइटम जो बनाया गया है इस वीडियो को दिखाकर उस पर फेसबुक पे रिपब्लिक भारत के पेज के 13 मिलियन लोगों ने इसको देखा, 20,000 लोगों ने इसको शेयर किया। आप समझिए कि ये झूठ जो है वो कहां तक पहुंचा है कि 13 मिलियन तो इसके व्यूज हैं। और फिर रिपब्लिक भारत ने क्या किया, रिपब्लिक भारत ने चुपके से यूट्यूब से अपने इस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। तो आप तक पहले झूठ परोसा गया, और उसके बाद जब उनकी कलाई खुल गई तो ना तो माफ़ी मांगी और ना ही ये कहा गया कि वो गलती से कोई वीडियो चलाया गया था या फिर वो उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया था कि वो अफगानिस्तान का वीडियो है, बल्कि उसको चुपके से उस वीडियो को YouTube से हटा लिया गया। और एक नहीं बल्कि दूसरा वीडियो और चलाया गया है इसी प्रोग्राम में, एक और वीडियो चलाया गया है सेम दावा करते हुए कि पंजशीर का है, नॉर्थ अफगानिस्तान का है, और पंजशीर के लड़ाके किस तरह से तालिबान को लगातार खदेड़ रहे हैं और बॉम्बिंग कर रहे हैं ये, और तालिबान लड़ाके जो हैं आतंकवादी जो हैं ये उसमें कहा जा रहा है कि उनको किस तरह से मारा जा रहा है। और वो वीडियो भी झूठ है, वो वीडियो भी अफगानिस्तान का नहीं है, वो वीडियो भी यमन का है। वो वीडियो एक साल पुराना है, वो यमन का है वीडियो, और इसको लेके भी ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया है। और रिपब्लिक भारत इसमें अकेला नहीं है, बल्कि ABP न्यूज ने इस वीडियो को चलाया है, इसके अलावा इंडिया टुडे ने इस वीडियो को चलाया है, टाइम्स नाउ ने इस वीडियो को चलाया है, और बाकायदा तौर पर इसको लेकर लंबे चौड़े दावे पेश किए गए हैं कि कैसे पंजशीर में जो लड़ाके हैं, जो पंजशीर के लड़ाके हैं वो किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान को खदेड़ रहे हैं, और उन्होंने किस तरह से नॉर्थ अफगानिस्तान के कुछ प्रोविंस को जो है वो उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये खबरें, मनगढ़ंत खबरें जो हैं वो अब अफगानिस्तान के हवाले से परोसी जा रही हैं। उससे पहले एक और वीडियो वायरल किया गया था जिसको कई न्यूज़ चैनल ने चलाया था। उस वीडियो में बाकायदा तौर पर
वो कबीलियाई जो उनका जिस तरह का ड्रेस होता है, आपने देखा होगा कि जो अफगानी है जिस तरह का ड्रेस पहनते हैं, कुर्ता पजामा, और उनकी जो एक टर्बन होती है वो, और हाथों में बंदूक है, और बाकायदा तौर पर कुछ गाने चलाए जा रहे हैं और उस पर डांस किया जा रहा है। उस वीडियो को अलग अलग दावों के साथ जो है वो पेश किया गया, ये बताया गया कि किस तरह से देखिए ये लड़ाके लोगों को मारने के बाद जो है वो जश्न मना रहे हैं, और दरअसल ये वीडियो भी पूरी तरीके से बिना सर पैर का और झूठा वीडियो था। वो वीडियो पाकिस्तान के एक इलाके का था जहां पर शादी पर एक डांस हो रहा था, और उस डांस का वो वीडियो था जहां पर वो लोग डांस कर रहे थे उस शादी में। इसको लेकर भी ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया और वो ये खबर जो है वो आप तक पहुंचाई। मैं इन सब खबरों को दिखाकर या बताकर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि आप ये देखें कि पहले जब आपको कोई न्यूज़ जाननी होती थी तो आप टीवी चैनल्स खोलकर ये न्यूज़ इसलिए देखते थे कि सच्चाई का पता करें कि आखिर क्या हो रहा है, और अब इसका बिल्कुल बरक्स हो गया है। जब आप टीवी चैनल्स देखते हैं, अगर आप आंखें और कान खोलकर कोई किसी तरह की अपनी आंखों पर अगर पट्टी बांधकर अगर टीवी चैनल्स को नहीं देखते हैं तो आप उन जो खबरें चलाई जाती हैं उनको लेकर आप बाकायदा तौर पर ये चाहते हैं, ये आप सर्च करते हैं और ये देखते हैं कि बाकी में जो खबर दिखाई जा रही है ये सच है भी कि नहीं। और इस तरह के जो है वो अब इस मुकाम पर आकर हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया आकर खड़ा हो गया है कि वो झूठ प्रोपेगेंडे का और नफरत का, फेक न्यूज़ का पर्याय बनता जा रहा है, और अब अफगानिस्तान के नाम पर वहाँ जिस तरह की त्रासदी है उसके नाम पर अब झूठी खबरें जो हैं वो मसाला लगाकर परोसी जा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये TRP बटोरने का सबसे बेहतरीन मौका है। और आप ये देखें उस छोटी झूठी वीडियो को दिखाकर रिपब्लिक भारत पर 13 मिलियन लोगों ने उसको देखा, 20,000 उसके शेयर हुए। अब ये देखें कि ये तो झूठ तो परोस दिया गया, 13 मिलियन लोगों तक वो पहुंच गया, अब सच कहां तक पहुंचता है ये आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये सच भी पहुंचे। मुझे उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।